राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ आगमन पर विरोध जताने रायपुर जा रहे भाजीमो के पदाधिकारियों को पुलिस ने दुर्ग के पटेल चौक पर ही रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा भाजपा के प्रदेश आह्वान पर कांग्रेस पार्टी भारतीय संसद के सदस्य राहुल गांधी के रायपुर आगमन पर अपना विरोध जताने बड़ी संख्या में भाजीमो पदाधिकारी व कार्यकर्ता दुर्ग से रायपुर के लिए रवाना हुए। भाजपा कार्यालय से निकलने के बाद पटेल चौक पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर वे गिरफ्तार भी कर लिए गए। गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश के आह्वान पर दुर्ग में भी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा रायपुर जाकर राहुल गांधी के सामने विरोध प्रकट करने का मन बनाया था, जिसके चलते दुर्ग से रवाना होते ही सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें सेक्टर 6 भिलाई भेज दिया गया। दुर्ग भाजीमो की टीम पूरी पदाधिकारियों के साथ आज रायपुर रवाना हो रही थी। बाकी भूपेश बघेल की सरकार, जो कि डरपोक और निकम्मी सरकार है, वो युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ताओं से डरती है और इसी डर का आज उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे दिया है। युवा मोर्चा की टीम जैसे ही दुर्ग कार्यालय से निकली और थोड़े ही दूर जाने के बाद युवा मोर्चा की टीम को दुर्ग पुलिस की द्वारा रोक कर गिरफ्तार किया गया। हम लोग युवा मोर्चा की पूरी टीम की ओर से और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भूपेश बघेल की जो नेता जिनको मानते हैं वे, उनको आज हम लोग जवाब के प्रतीक्षा में हम लोग वहां पर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भूपेश बघेल जी ने 3 साल पहले चुनाव से पहले वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से बहुत सारे, जिसमें बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने का है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करने का है और ऐसे अनेक वादे उन्होंने किए और उन सब वादों को अभी तक के पूरा नहीं किया गया है। आज छत्तीसगढ़ की धरा पर राहुल गांधी का आगमन हो रहा था, जिसे लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा उनसे जवाब मांगने जा रहा था। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग की टीम भी दुर्ग से निकली थी राहुल गांधी से रायपुर पहुंच के जवाब मांगने के लिए, जिन्हें हम सबको युवा मोर्चा के सभी साथियों को, मैं मेरे साथ युवा मोर्चा के जिला महामंत्री भाई देखन सिन्हा जी, भाई मुकेश सोनकर जी, भाई राहुल भट्ट जी, भाई फणेन्द्र यादव, ऐसे हमारे साथ 20 साथियों को 20 सड़क से हमको गिरफ्तार कर लिया गया, बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया, डग्गे में बिठा करके हमें दुर्ग जेल लाया गया। दुर्ग जेल से हमें यहाँ सेक्टर 6 थाने लाया गया है। ये भूपेश सरकार की तानाशाही है। इस तरीके की तानाशाही से वे युवाओं का हक नहीं छीन सकते, युवाओं को रोक नहीं सकते और हम अपना अधिकार मांगने निकले हैं और छत्तीसगढ़ के जन जन आज जान चुका है भूपेश सरकार जिस तरीके से यह कृत्य कर रही है, जिस तरीके से दबावपूर्ण कार्य कर रही है, आज पूरी जनता परेशान है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करता है और आने वाले समय में अजक सरकार को छत्तीसगढ़ की तरह से उखाड़ फेंकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।